जो ट्रांजेक्शन हो रही है आपस में सेल का उसे हम अक्स दिंग

एक बंद ऑफर करता, तो करता है और दूसरे एक्सेप्टेंस का मतलब कि दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है जो दूसरी पार्टी है उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ एक कहते हैं मैं बेचना चाहता हूँ या खरीदना चाहता हूँ दूसरा कहते है, मैं खरीदने को या बेचने को तैयार हूँ

हम ये नहीं कह सकते कि आई शेल सेल यू ठीक है ये आई शेल सेल टू यू इन दूचर फ्यूचर टेंस के अंदर नहीं होगा ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है या हो रही है इस वक्त के ऊपर तो इसलिए हम इसको पास टेंस में ही हमेशा डील करेंगे कि ये मैंने तुम्हें बेच दी ठीक है द सेकंड थिंग इज जो इसका सेकंड पार्ट है वो है इम्प्लाइड ठीक है इशारा एक तो हो गया ना कि ऑफर की गई एक्सेप्ट की गई ठीक है दोनों मतलब के पहले ऑफर हुई प्रॉपर ऑफर बोलकर और दूसरा उसको एक्सेप्ट किया गया बोलकर एक है इशारे के अंदर बाय इंडिकेशन ठीक है अब इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती है फिर आगे एक है क्रेडिट सेल फॉर एग्जांपल सेटलमेंट ऑफ द बिल एट द द एंड ऑफ मंथ के जी हम इसको मंथ के एंड के पर सेटल करेंगे कोई पर्टिकुलर बिल है और एक है हैंड टू हैंड सेल ताती ठीक है एक्सचेंज ऑफ मनी विद गुड्स विदाउट अटरिंग Uh, uh, तो वर्बली uh, कहा और एक्सेप्ट कर लिया अब एक है कि एम्प्लाई किया एम्प्लाय का मतलब कहां मतलब इसका मतलब यह होगा एक ऐसी चीज जिससे एम्प्लाई हो जाएगा कि सेल अगर हो चुकी है सो so, एक तो ये है कि क्रेडिट के ऊपर सेल लेके जिसे मैं महीने बाद पेमेंट करूंगा दैट मींस कि सेल हो गई उसने पेमेंट महीने के बाद करनी है और दूसरा हैंड टू हैंड के कैश दिया सामान लिया अब इसमें कहा और सुना कुछ नहीं ठीक है सिंपली ट्रांजैक्शन अगर हो गई है दैट मींस के सेल हो गई है दिस वुड आल्सो बी अ वैलिड सेल मतलब दिस इज एन इशारा सिग्नल ठीक है ट्रांजैक्शन हो गई सेल हो गई एक ने पैसे दे दिए दूसरे ने सामान दे दिया मतलब दोनों को एक्सेप्ट है ऑफर जो वो भी एक्सेप्टेड है और जो है, हुई है, वो भी हो गई है महीने बाद पेमेंट करूं दैट मींस कि जी जी जो ऑफर हुई है वो एक्सेप्ट हो गई सो so, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑफर की एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है कि वर्बली कहा जाए कि मैं खरीद रहा हूं या मैं खरीद लिया बल्कि ये जो ट्रांजेक्शन हो जाएगी वो भी इशारों के तौर के पर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है मूविंग ऑन बायर एंड सेलर ठीक है बोथ मस्ट भी अब ये दोनों के बारे में जो कंडीशन हैं ये जरूरी है अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होगी सो so, uh, सबसे पहली चीज जो इसमें देखी जाती है कि दे शुड बी सेन पागल नहीं होना चाहिए बंदे को अगर एक बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए मेंटली साउंड नहीं है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता सो इट बी मेंटली साउंड एट कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद उसको कुछ हो जाए तो से से जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त उसका मेंटली साउंड होना जरूरी है सेकंड चीज इसके अंदर ये है कि मतलब के एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता शुड बी एन एडल्ट। इन द केस ऑफ अ माइनर उसके साथ कोई ना कोई उसका गार्डियन होगा या फिर अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर भी रहा है तो इस केस के अंदर एटलीस्ट uh, ये बात बड़ी क्लियर होगी कि उसको समझ है कि वो क्या एग्रीमेंट कर रहा है ठीक है क्योंकि ये अब जिस टाइम की हम बात करें उस दौर का माइनर जरा डिफरेंट था उस दौर का माइनर में भी सात आठ नौ साल का बच्चा हो बिकॉज uh, 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 उस दौर के अंदर एटीन uh, ईयर्स uh, की माइनर की लिमिट नहीं थी सो so, यह चीज क्लियर है कि इसके अंदर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल दस बारह साल से ऊपर का है तो ही मस्ट अंडरस्टैंड देशर ऑफ द ट्रांजेक्शन नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज शरायते अकद के जो कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है uh, वो पर्टिकुलर क्या होंगी ठीक है सो so, एक चीज जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल मस्ट बी नॉन कंटिजेंट दोल्ड कमोडिटी टू दी बायर मस्ट बी सर्टेन एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन अ अंटिंजेंसी और चांस ठीक है हम पहले बता चुके कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती कोई कंडीशन या कोई कॉन्टिजेंस इवन कोई कॉन्टिजेंसी भी नहीं उसके ऊपर क्या किसी कॉन्टिंजेंसी या किसी चांस के ऊपर वो इफेक्ट हो रही हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल ए सेल्स इज स्टोलन कार टू बी Who purchases it in the hope that he will manage to recover it? The sale is void. मतलब for example, मिस्टर ए की गाड़ी चोरी हो गई अब उसने उसको बी से कि यार उम्मीद है कि मिल जाएगी मैं तुम्हें बेच देता हूं तुम खरीद लो बहुत उम्मीद है कि मिल जाएगी बड़ा चांस है कि पुलिस लगी हुई मिल जाएगी गाड़ी हमारी ऐसी चीज बेची नहीं जा सकती जिसकी पोजिशन ना हो और उसकी कंटिनजेंसी इस तरह की है कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी चांस के ऊपर है ना और हाँ ये हो सकता है कि ए बी से ये कहे कि जी मैं तुम्हें तकरीबन मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर गाड़ी गाड़ी का मेक उसका नाम उसका मॉडल उसका ईयर वगैरह बता के कि इस रेंज की एक गाड़ी इस कलर की या इस तरह की मैं तुम्हें बेचूंगा ठीक है लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरी गाड़ी अपने नंबर प्लेट उस जो भी उसका नंबर था और वो वाली गाड़ी बेचूंगा क्योंकि वो चोरी हो चुकी है ना वो उसके पास नहीं है वो गाड़ी वो ला तो नहीं सकता ऐसा ठीक है हो सकता है मिल जाए मिल जाए तो वो वाली बेच सकता है ठीक है लेकिन वो अगर उसको दो महीने का एग्रीमेंट करेगा दो महीने बाद मैं तुम्हें ये बेचूंगा तो ये बात क्लियर है कि वो जेनेरिक होनी चाहिए फिर कमोडिटी कि वो मार्केट से किसी और की गाड़ी खरीद कर इसको बेच सके अगर वो कहेगा मेरी वाली गाड़ी बेचूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट द सेल मस्ट बी अनकंडीशनल फॉर एग्जाम्पल ए बाइज अ कार फ्रॉम बी विद अ कंडीशन दैट बी विल एम्प्लॉय हिज सन इन हिज फर्म द सेल इज कंडीशनल एंड हेंस इनवैलिड हाँ ये एक और अनकंडीशनल की फॉर्म आ गई कि आपने गाड़ी तो मैंने खरीदी किसी बंदे से लेकिन ये कंडीशन भी लगा दी कि जी मैं तुमसे गाड़ी तो खरीदूं लेकिन तुम अपनी कंपनी के अंदर या अपने शोरूम के अंदर मेरे बच्चे को नौकरी भी दो तो ये इस तरह की सेल भी इनवैलिड हो जाएगी ये कोई भी बेनिफिट किसी तरह की बेनिफिट आपको याद हो गई हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि कोई भी बेनिफिट लेने की जब बात आएगी तो ये सेल इनवैलिड हो जाएगी इसका सेकंड पार्ट है कि अंडर रीजनेबल कंडीशन सेल होगी दैट ऑफ़ सेल शुड नॉट ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए हाँ यह हो सकता है उसमें कोई चीज आपने कोई रीजनेबल कंडीशन डाल ली है कि तुम मुझे एक महीने में सामान दे दो ठीक है ना इंस्टेंट ना दो तो इस तरह की चीज तो हो सकती है कोई अनरीजनेबल चीज नहीं हो सकती ठीक है जैसे कि वो ये भी की कि इसको नौकरी दे दो या ये कर दो तो या मैं उसको यूज करूंगा एक महीना नॉट लाइक दैट हां उसको डेफर किया जा सकता है कि सेल का एग्रीमेंट आज हो गया हमारी सेल हो गई है पैसे दे दिए गए हैं सिर्फ माल थोड़े से बाद आएगा यह बनाकर इसकी इसकी एक वजह ये भी है कि कुछ हमारी जो सेल अब इसके अंदर इसके अंदर यहाँ तक के प्रोडक्शन का भी एक मामला आ जाता है जहां पर आपने बनाकर बेचना होता है कोई चीज तो आप जब बनाकर बेचना है तो उसको टाइम लगेगा